हेलो लर्नर्स वेलकम टू यल तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वॉमेंट के यूनिट फोर से आई आर डी ए नाइनटीन नाइन के ऊपर एमसीक्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई सभी को फुल फॉर्म पता होना चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो ये क्या है इज़ ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट इज़ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इज एन एनजीओ या फिर ऑप्शन डी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आई आर डी एक्ट नाइनटीन तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है ऑप्शन डी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आई आ डी एक्ट नाइनटीन नेक्स्ट है व्हेन वाज आई आर तो करेट ऑप्शन क्या होगा आपको सभी को पता चल गया ऊपर का ऑप्शन देख के आई आर डी ए क्या कॉन्स्टिट्यूट है ऑप्शन सी 1999 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था नेक्स्ट है वैन वॉज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशलाइज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंडिया में नेशनलाइज्ड कब हुआ था फोर्टी सेवन में फिफ्टी वन में फिफ्टी सिक्स में या फिर फिफ्टी नाइन में तो करट ऑप्शन है ऑप्शन सी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो नेशनलाइज हो गया था नेक्स्ट है आई आर डी ए स्टैंड फॉर सभी को याद है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नेक्स्ट है दस इज सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस आपको बताना है कि नीचे दीगे में से कौन सा एक सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देश तो ये सभी को पता होगा ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है गवर्नमेंट कंपनी है नेक्स्ट है आईआर डी ए वॉज स्टैब्लिश फॉर आई आर डी ए का स्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ था यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टैब्लिश क्यों हुआ था रेगुलेट दी इंश्योरेंस

आई आर डी एम्स टू अमेंड आई आर डी ए किस चीज़ को अमेंट कर सकता है इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट को लाइफ इंश्योरेंस कॉपोरेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू को या फिर ऑल तो आई आर डी ए जो है इन तीनों को ही अमेंड कर सकता है ओके okay. नेक्स्ट है आई आर डी ए वॉज क्रिएटेडेड अपॉन द रिकमेंडेशन बाई तो आई आर डी ए जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे जो है क्रिएट हुआ था मल्होत्रा कमिटी रिपोर्ट ऑफ नाइनटीन 1995, फोर नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटीन नाइनटी सिक्स या नाइनटीन नाइनटी नाइन तो मल्होत्रा कमेटी का रिपोर्ट था ये तो फिक्स है अब आपको बस ये याद करना है तो आई आर डी ए वाज क्रिएटेड अपॉन द रिकमेंडेशन बाई दी रिपोर्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी फोर आई आर डी एक्ट वॉज पास अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट सात जनवरी उन्नीस सौ चौरानवे रिपोर्ट आई थी हेडेड बाई मिस्टर आर एन मल्होत्रा रिटायर्ड गवर्नमेंट गवर्नर आरबीआई थे तो मल्होत्रा कौन थे डॉ मिस्टर आरएन मल्होत्रा थे जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट थे आरबीआई के उनके रिकमेंडेशन पे ही आईआरडीए जो है वो सेट किया गया था द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईआरडीए इज डैश टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया तो क्या है आई आई आर डी है स्ट्रेचुरी बॉडी है एपेक्स बॉडी है फिर ऑल तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी ऑल ये एक ऑटोनोमस स्टेचुरी और एपेक्स बॉडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट करती है आई आर डी ए नेक्स्ट है, है द मेंबर ऑफ एंड द चेयरमैन ऑफ आई आर डी ए आर अपॉइंटेड बाई दी तो आई आर डी ए के मेंबर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑप्शन डी ऑल तो करेट ऑप्शन कर देगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई आर डी ए को जो मेंबर है और जो चेयरमैन है उनको गवर्मेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है नेक्स्ट है इन टू थाउजेंड वन द हेड क्वार्टर ऑफ आई आर डी ए वे शिफ्टेड फ्रॉम न्यू डेली टू तो पहले तो न्यू डेली था आई आर डी ए का हेडक्वार्टर लेकिन दो हजार एक में इसको शिफ्ट कर दिया गया तो कहाँ शिफ्ट है, हैदराबाद में ओल्ड डेली में बैंगलोर में या फिर लखनऊ तो

वन चेयरमैन एक चेयरमैन होता है पांच होल टाइम मेंबर होते हैं और चार पार्ट टाइम मेंबर होते हैं याद रखिएगा आई में टोटल टेन मेंबर्स होते हैं एक चेयरमैन पांच होल टाइम मेंबर और पाँच फोर पार्ट टाइम मेंबर होते हैं नेक्स्ट है आई आर डी एज़ द पावर टू फ्रेम रेगुलेशन रिगार्डिंग तो आई के पास कौन से पावर होता है किस चीज़ से रिगार्डिंग रेगुलेशन बना सकती है इंश्योरेंस मार्केट एफ मार्केट शेयर मार्केट या फिर ऑप्शन डी ऑल इन तीनों के लिए बना सकती है तो आई आर डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो इंश्योरेंस मार्केट के रिलेटेड वो रेगुलेशन को क्रिएट कर सकती है नेक्स्ट

ज ए टेन मेंबर बॉडी इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी ईयर तो आई के जो टेन मेंबर बॉडी हैं दस लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो रीइलैक्ट कब होते हैं यानी कि कब जो है दोबारा से चुन चुनना होता है उनको तो करट ऑप्शन है ऑप्शन भी फाइव ईयर हर पाँच साल बाद जो है इनके लिए रिलेक्टेड किए जाते हैं री इलेक्ट किए जाते हैं आई के मेम्बर नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन आपको पता है कि जो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी एथ जून एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सिक्स जून एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जून तो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ये हर साल जो है 28 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट है द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDAI इज तो आपको बताना है कि जो प्रेजेंट चेयरमैन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो कौन है सुभाष चंद्र खुंटिया अजय त्यागी एमआर कुमार या फिर दिनेश कुमार खरा तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र कुटिया ये आई डी आई आई आर डी ए आई के करंट चेयरमैन हैं अजय त्यागी से बी के हैं एम आर कुमार एल आई सी के हैं और दिनेश कुमार खरा एस बी आई के हैं तो ये कुछ एम सी क्यूज थे आई आर डी ए से और भी एम सी क्यूज हम प्रैक्टिस करें यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू